दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का। तो एसएससी जीडी सेकंड शिफ्ट का ये एग्ज़ाम पेपर है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन भी है। तो वर्ग का तो मतलब ये हो गया कि किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए और घन का मतलब वो किसी का क्यूब होना चाहिए। तो 743 अगर देख 343 अगर देखते हैं तो ये 7 की क्या होती है, क्यूब होती है, लेकिन ये 7 का स्क्वायर नहीं होगा। 5 की अगर 125 की अगर हमने बात किया तो ये 5 का तो क्यूब तो होगा लेकिन ये 5 का वर्ग नहीं होगा, ये किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं होता, ठीक है। और 81 की हमने बात करें तो ये 9 यानी कि 3 9 का तो स्क्वायर होगा और 3 की ये घात 4 होगी, लेकिन आपसे घात 4 नहीं पूछा, ये यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं। 64 की अगर हमने बात करें तो ये 8 का तो स्क्वायर होगा और 4 की ये क्यूब होगी। तो यहाँ आपको कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा, तो यहाँ 64 जो होगा 64 जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तो इसको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो क्या करते हैं, जैसे उत्तर दिशा अपने जो अपने मुंह की साइड होगी तो ये उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया, 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर और यहाँ ये 30 मीटर चलता है। फिर अगला क्या है, 30 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर और 40 मीटर चला, यानी कि बायां मतलब लेफ्ट हैंड मुड़ेगा इधर, यहाँ 40 चला, फिर उसके बाद ये फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर वापस ये नीचे की ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलता है, यहाँ गया, फिर वह बाईं मुड़ा, बाईं मुड़ेगा तो फिर ये वापस इधर ओर जाएगा यानी कि अपने पूर्व दिशा की ओर जाएगा, ठीक। और चलता कितना, 50 है, यहाँ कितना चलेगा, ये 50 चलेगा। तो ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगी वो 50 होगी, जबकि ये 40 होगी तो ये कितनी होगी, 10 होगी। तो इसका मतलब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है, तो मूल स्थान इसका यहाँ पे ये था, तो यहाँ से ये 10, यहाँ अब पहली कंडीशन यहाँ से थी और अब यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये मूल स्थान से 10 मीटर की दूरी पर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 61, 72 और 83 को भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 3 प्राप्त होता है, तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो ये यहाँ आपको जो एलसीएम जो होता है, एलसीएम और एचसीएम का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो एचसीएफ देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 61 के अंदर सबसे पहले आप लोग 61 के अंदर एक माइनस कर दें तो आएगा 60, और फिर 72 में से दो माइनस करेंगे तो 70 आएगा, और फिर 83 में से अगर अपने तीन माइनस करेंगे तो आएगा 80। अब इन सबका अगर आप एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा इसका 10, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। अगर 10 को आप 61 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा, 72 70 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 80 से भाग देंगे तो 3। लेकिन तो यहाँ 20 नहीं हो सकता क्योंकि 20 में 60 का भाग जाएगा, 80 का जाएगा लेकिन 70 का नहीं जाएगा, तो 60 70 और 80 का एचसीएफ लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ 10 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज पर एक धन जो होता है वो 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो इसका मैं एक तरीका भी बताता हूँ आपको, तो मिश्र धन जो होता है वो होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, और यहाँ आएगा समय। तो पहला देखो धन 5 गुना हो रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, मूलधन को यहाँ छोड़ दो, कितने समय में हो रहा है, एक धन 5 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है, यहाँ मिश्र धन की जगह आएगा 2 और यहाँ मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा में 100, और यहाँ टाइम कितना हो रहा है, 5 वर्षों में, यानी 5 वर्षों में। अगला क्या है, वह धन कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, यानी कि आपको ये 8 गुना करना है, तो ये 2 की पावर 3 बनेगी, तो ये पावर जो 3 है ना इसको यहाँ गुणा कर दें सीधा ही, तो यहाँ 15 वर्ष होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये इसका एक शॉर्ट तरीका है जिसमें आपको नए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 गुना बोल रहा है तो मतलब मिश्र धन 8 गुना होगा, तो यहाँ 2 की पावर 3 बनेगी, तो इन दोनों का पावर यहाँ बेस जो होगा दोनों का सेम बना दे, ये जो पावर जो होगी इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 15 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि भारत का भारत बाघ और अमेरिका का क्या होगा, देखो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और अमेरिका का क्या होगा, तो यहाँ अमेरिका का वर्ल्ड ईगल होगा, तो यहाँ इसका बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है, अब साहब इस पर निरंतर बहस जारी है। इंटरनेट निष्कर्ष पहला आपको दिया गया, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, इंटरनेट पर लगातार बने बहस अनावश्यक है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल होगा,
और इंटरनेट पर बहस करना लगातार अनावश्यक बहस अनावश्यक है। तो यहाँ इसका बी जो निष्कर्ष दो है वो गलत होगा, तो यहाँ केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला है कि एक दूध वाले की टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर है। उन बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दो दोनों टंकियों के दूध का पूरा पूरा माप सके। तो यहाँ आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो यहाँ 75 और 45 का आपको बताना है HCF। तो 75 को लिख सकते हो आप 5 × 15 और 45 को लिख सकते हो 15 × 3। तो यहाँ दोनों में कॉमन जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो 15 होगा, तो 15 लीटर का एक कोई बर्तन होगा, तो उसमें 5 बार अगर आप क्या करेंगे 75 लीटर को माप सकते हो और दूसरे के अंदर 45 से आप माप सकते हो, 25 से आप 75 का तो माप सकते हो लेकिन 45 का नहीं माप सकते। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 15% जो है वो 4500 रुपये है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ 15 बराबर क्या होगा 45 होगा, और 1 बराबर जो होगा 45/15 = 3 होगा, 3 होगा। तो आपको वो संख्या निकालनी है जिसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका 300 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो वह 300 राशि है, और या आप 300 का 15% निकाल कर भी देख सकते हो कि 45 है आपका, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ ये जो मेथड अगर आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ आपका 300 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की परीक्षा में आए हैं। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ आगे भी आपसे इसी तरीके की परीक्षा के अंदर इसी तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है, वर्ग मूल निकालना है या आपको क्या निकालना है घनमूल, तो इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है BCM के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से निकाल लें। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, घन क्या होती है, चतुर्थ घात वाली संख्या क्या होती है, तो ये चीज़ें आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर ठीक है, फिर जैसे आपको यहाँ डायरेक्शन का क्वेश्चन आया था, तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। इसके अलावा रैंकिंग से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से भी पूछे जा सकते हैं, तो उनकी भी आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आपके पास एग्ज़ाम पेपर आता है इनके जितने भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें 9660833101, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ आप लोग हमें सेंड करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन हम आप तक प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ LCM HCF का क्वेश्चन आया था, तो LCM का अगर आपसे पूछा जाए LCM क्या ऊपर, तो LCM ध्यान रखना कि संख्या जो मिलती है वो बड़ी मिलती है। ठीक है, शब्द के अंदर बोला जाएगा छोटी से छोटी संख्या, लेकिन संख्या का जो वैल्यू आएगी जैसा आपको दे रखा है उसमें बड़ी आती है। इसी तरीके से HCF जो होता है इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, वह छोटे से छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ जैसे 5 हो गया, ये 10 हो गया, और यहाँ मैंने लिख दिया 25, तो इनका अगर आप LCM निकालेंगे तो आपका आएगा 50। तो 50 जो होगा वो 5 से डिवाइड होता है, और 50 10 से भी डिवाइड होता है, 50 25 से भी डिवाइड होता है। इसी तरीके से HCF जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसा कि कॉमन का मतलब कि इन सभी के अंदर कॉमन क्या होगा, तो 5 × 1 लिख सकते हो, इसको 5 × 2 लिख सकते हो, और इसको 5 × 5 लिख सकते हो, तो इन सभी में कॉमन क्या होगा 5। तो HCF जो होगा वो बड़ी से बड़ी शब्द में बोला तो जाएगा बड़ी से बड़ी, लेकिन संख्या जो होगी आपको जो 4 ऑप्शन दिए उनमें छोटी संख्या होगी, तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के ऊपर भी क्वेश्चन, तो इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगला, जैसे आपको यहाँ भारत का जो भाग है, और कल वाली परीक्षा के अंदर भी जैसे किस देश की मुद्रा क्या है, ठीक है, उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, उसकी राजधानी कौन सी है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों की आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और कथन निष्कर्ष के बारे में भी आपको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको जहाँ भी डाउट लगे तो आप लोग उन क्वेश्चनों को छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, और ये जो आपको मैंने बताया था कि जैसे इस तरीके से आपको लाइन टू लाइन दिया जाएगा, और वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ LCM निकाल लेंगे या HCF निकालेंगे, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी परसेंटेज का बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, धन्यवाद।